हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सीएम चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड कॉम एडवाइस। दोस्तों, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द रेलेवेंट कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड ऑन दिस वीडियो। दिस वीडियो आई हैव अपलोडेड अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ एगो। आई रिसीव लॉट ऑफ कमेंट ऑन दिस वीडियो, सम वॉज वेरी रेलेवेंट एंड सम वॉज कॉमन। इन दिस वीडियो आई एम मेंशन ओनली दोज कमेंट दैट आर वेरी रेलेवेंट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन केस योर क्वेरी इज डिफरेंट एंड you have different doubts in this regard, you can ask me that doubts on the comment section. I will definitely reply of your comments as far as possible. So watch this video till the very end. So let's start this. All the comments that I have received written down here, because it's not possible for me to remember all the comments word to word. So first comment that I have received from the Sutiyarya. Sutiyarya said, sir, मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है तो चेंज नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज द सर्टिफिकेट दैट यू ऑब्टेन आफ्टर कम्प्लीटिंग योर 15 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, डज नॉट कंटेन योर डेट ऑफ बर्थ, बट मेक श्योर योर नेम एंड सी आर ओ एन आर ओ वट एवर यू हैव मस्ट नॉट बी रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ क्लियरली मैंशन ऑन योर सर्टिफिकेट। तो मेक श्योर आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन गलत ना। ओके, द सेकेंड कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता सैड, लॉकडाउन के बाद कब तक स्टार्ट होंगे न्यू ओपी ट्रेनिंग। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बैचेस पोर्टल में शो होने लगे हैं, यू गो देयर एंड रजिस्टर फॉर द बैचेस, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यू कैन वॉच दिस वीडियो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। सो फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। नेक्स्ट कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सौम्या अग्रवाल। सौम्या अग्रवाल सैड, आई वॉज रजिस्टरिंग फॉर ओसी बैच बट वेन द एप्लीकेशन स्टेटस वॉज अबाउट टू ओपन इट शोड सर्वर एरर बट बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट। इट इज़ अ टेक्निकल एरर। इन केस योर द बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड द स्टेटस ऑफ पेमेंट इज शोज पेंडिंग ऑन द पोर्टल, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप थोड़ा वेट करिए, पोर्टल में स्टेटस चेंज हो जाएगा। इन केस पोर्टल में स्टेटस नहीं चेंज होता है, यू कैन कॉल ऑन द टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर एंड यू विल गेट द रिफंड विद इन 7 working days, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड द नेक्स्ट कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द कौशल्या देवी। कौशल्या देवी सैड, सी एस एग्जीक्यूटिव 1 day ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इस पर एक वीडियो बनाए। डेफिनेटली वी विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। एंड नेक्स्ट कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड, एक्चुअली दीज आर द 2 comments दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सेम पर्सन, सुदीप राजकर। द फर्स्ट कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सुदीप राजकर इज, अगर ITT OC ट्रेनिंग 1 morning batch और 1 afternoon batch लेकर सेम टाइम पर करें तो अलाउ है। इसके डिसअलाउंस के बारे में तो ICAI ने कुछ नहीं कह रखा है, सो डेफिनेटली इफ यू कैन मैनेज योर ट्रेवल टाइम एंड हैविंग हैव योर अपॉर्चुनिटी टू डू बोथ द ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। दिस इज नॉट अ डिसअलाउड, यू कैन डू दिस। सो नेक्स्ट कमेंट दाई हैट आई रिसीव फ्रॉम द सेम पर्सन, सुदीप राजकर। इन्होंने पूछा है, सर मैंने डायरेक्ट एंट्री सिस्टम थ्रू CA कोर्स के लिए रजिस्टर किया है और अभी ICITSS ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर रही थी, तो मैं नवंबर 2020 में तो IPCC नहीं दे सकती बिकॉज क्योंकि मेरे 9 month का आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं होगा, मगर मैं जब ICITSS ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर रही थी तो वहाँ अटैम्प्ट फॉर IPCC एग्ज़ाम में मई 2021 का ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँ। सो डेफिनेटली जब आप पोर्टल पे जाते हो और आपने बैचेस के लिए रजिस्टर करते हो, वेदर यू आर रजिस्टरिंग फॉर द ओरिएंटेशन कोर्स और वेदर यू आर रजिस्ट्रेशन फॉर ITT कोर्स, होता क्या है कि वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड अटैम्प्ट, वट एवर योर एक्सपेक्टेड अटैम्प्ट जो पढ़ने वाला है IPCC का इन द न्यू इन न्यू कोर्स में CA एंटर का, वो एक्सपेक्टेड अटैम्प्ट डालना होता है। तो इन केस योर एक्सपेक्टेड अटैम्प्ट नॉट शोन ऑन द पोर्टल, सो डोंट वरी अबाउट इट। वाट एवर अटैम्प्ट शोन ऑन द पोर्टल आप उसे फिल करें और उसके साथ उसके बाद आप फर्दर मूव ऑन कर जाएं अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो लेटर फेज है उसके, उसको पूरा करें। इससे आपके इट विल नॉट अफेक्ट योर ट्रेनिंग एंड एनीथिंग एल्स।
सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। सर नेक्स्ट कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अविनाश, अविनाश इन्होंने पूछा है, हाय सर, सपोज आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट आई फेल्ड टू सबमिट माई फिजिकल कॉपी एट ICI भवन बिफोर 2 डेज, देन अमाउंट विल रिफंडेबल और इन दैट पेमेंट कैन बी रजिस्टर फॉर एनी अपकमिंग बैचेस, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, प्लीज लेट मी नो। दिस कमेंट इज वेरी रिलेवेंट कमेंट बिकॉज व्हेन आई वॉज गोइंग टू डू दीज ट्रेनिंग्स, दिस दिस डाउट ऑल्सो कम्स इन माइंड फॉर लिटिल ऑफ वाइल। सो अगर आप 2 डेज बिफोर अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट अपनी कंसर्न ब्रांच में जमा नहीं करा पाते, जिस जो ब्रांच कोर्सेस कंडक्ट करने वाली है, ब्रांच अलॉट योर सीट टू द स्टूडेंट्स हु आर इन द वेटिंग एंड आपको वेटिंग में डाल दिया जाता है, फिर इन दिस केस आई हैव क्लियरली मेंशन दैट इन दिस केस यू कैन नॉट क्लेम योर रिफंड। हाँ, आप जब उस ब्रांच पे दूसरा कोई बैच कमेंस होने वाला होगा, दूसरा बैच जब आएगा नया, तो वहाँ पर आपको जगह दी जाएगी, बट इन दिस केस यू कैन नॉट क्लेम योर रिफंड। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर फर्दर कमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द बटरफ्लाई, इट्स वेरी स्वीट नेम, आई डोंट नो कैसे पढ़ा इनका नेम, बट इट्स वेरी स्वीट नेम। इन्होंने पूछा है, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ITT एंड OP फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स। तो मैं इनको बता दूं कि एज सच डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है। व्हेन यू आर न्यू ऑन द पोर्टल एंड रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द पोर्टल, वहाँ आपको चूज करना है कि वेदर यू आर फ्रॉम द डायरेक्ट एंट्री रूट और CPT और फाउंडेशन रूट, रेस्ट ऑफ द रेस्ट अदर थिंग्स आर रिमेन अनचेंज एंड एज इट इज सेम एज CPT एंड फाउंडेशन रूट स्टूडेंट। सो ऑल्दो मैंने OP बैच पे एक वीडियो का वादा कर रखा है, व्हाट इज ओरिएंटेशन प्रोग्राम कोर्सेस, वहाँ पर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर लेकर के जानी होती हैं, सो वो सारी चीज़ें मैं एक अनदर सेपरेट वीडियो में जल्द ही इस चैनल में अवेलेबल करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर कमेंट दैट आई हैव लास्ट रिलेवेंट कमेंट मनीत शर्मा जी से। मनीत शर्मा, आई हैव रजिस्टर फॉर ICITSS ट्रेनिंग इन जयपुर बट फॉर सम रीजन आई कैंसल्ड माई रजिस्ट्रेशन एंड आई गेट टोकन नंबर एंड इन नाउ मूव टू अहमदाबाद, कैन आई यूज दैट टोकन नंबर फॉर ICITSS ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन इन अहमदाबाद। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है बिकॉज आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो ICI इज अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी, नो मैटर व्हाट इज योर रीजन एंड वेयर यू वांट टू गो, ये किसी स्टेट अथॉरिटी के अंडर, नो मैटर व्हाट यू हैव CRO SRO NRO यू कैन कंप्लीट योर ट्रेनिंग एनी वेयर इन इंडिया। सो आप बिंदास जो अभी आपकी प्रेफर्ड लोकेशन हो, जो आपकी सुटेबल लोकेशन हो, वहाँ से बैचेस के लिए रजिस्टर करिए और वहाँ से अपने कोर्सेज को कंप्लीट करिए। इससे आपको प्लान मत करने लगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है और सुना भी है कि लोग OPC का और ये ITT का बैच गोवा से ले लेते हैं बिकॉज ऐसे तो पापा जाने की परमिशन देंगे नहीं गोवा दोस्तों के साथ चिल मारने, तो हम बैच ले लेते हैं तो अभी पापा कैसे मना करेंगे। प्लीज़ आप ऐसा मत करने लगिएगा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था कहने का। ये थे वो रिलेवेंट कमेंट जो मुझे रिलेवेंट लगे, बट अगर आपकी कोई प्लीज़ डेफिनेटली आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू ऑल द कमेंट्स एज फॉर एज पॉसिबल। सो एंड एज फॉर एज पॉसिबल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक and share with your friends.